अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स एंड टू एवरीवन. आई होप दैट एवरीवन इज़ इन गुड हेल्थ. वेल स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. एज यू नो दैट टुडे इज 14th of September 2021 एंड द डे इज ऑफ कोर्स ट्यूजडे. सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. सो द टॉपिक इज रीडिंग. टुडे वी आर गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ द रीडिंग विच वी लेफ्ट ओवर. एक्चुअली येस्टरडे वी डन द रीडिंग पेज नंबर 2 and half of page number 3 विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड दैट इज द पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग. लेट्स सी अहेड. इट्स द न्यू ऑक्सफोर्ड बुक, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 रिटन बाय निकोलस हॉर्सबर्ग. एंड हियर यू गो, यू कैन सी द पेज नंबर 1. इट्स द यूनिट 1, सॉरी इट्स द पेज नंबर 2, यूनिट 1, पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग. यानी कि ये क्या है, पिपी की लंबी जराबे. ठीक है, यू कैन सी हियर सम ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स अलोंग विद देयर मीनिंग. दीज आर ओनली लाइक टू कीप द मीनिंग्स इन योर माइंड सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द मीनिंग्स ड्यूरिंग रीडिंग. जब आप रीडिंग करें तो ये जो मीनिंग्स है ना, दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर रीडिंग. ओके, एंड हियर वी रेड येस्टरडे दैट देयर इज अ विले विलेकुला एंड वेयर यू कैन सी पिपी एंड अलोंग विद द मंकी दे बोथ वेंट टू विजिट द ग्रैंडमा. ओके, ग्रैंड मदर को विजिट करने जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट टू प्ले ओवर देयर एंड देर वर टू किड्स नेक्स्ट टू द डोर. यानी कि उनके नेबर्स में 2 किड्स होते हैं हु स्टार्टेड टू सी दैम. ओके, जो उनको देखना शुरू कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी पिपी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट. पिपी ने दिस पैराग्राफ पिपी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट. पिपी ने गली के साथ साथ वॉक करना शुरू कर दिया विद 1 foot ऑन द साइड वॉक, एक फुट के साथ, एंड द अदर वन इन द गटर, और दूसरा पाँव गटर में. ठीक है, टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी है. टॉमी और अनिका इसको देख रहे थे जितनी लंबी देर के लिए वो देख सकते थे. इन अ लिटल वाइल, थोड़ी देर के बाद, शी केम बैक, वो वापस आए. एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और अब वो पीछे की तरफ चल रहे थे. डैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टर्न अराउंड टू गेट होम. ये इसलिए था क्योंकि वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी. ठीक है, वेन शी रीच्ड टॉमीज एंड अनिकास गेट शी स्टॉप्ड. जब वो टॉमी और अनिका के गेट पर पहुंची तो वो रुक गई. द चिल्ड्रन लुकड एट ईच अदर इन साइलेंस. सो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरलाइन लुकड एंड साइलेंस. बच्चों ने उसकी तरफ देखा, एक दूसरे को देखा खामोशी से. एट लास्ट, आखिर में टॉमी स्पॉक, टॉमी बोल पड़ा, व्हाई डिड यू वॉक बैकवर्ड, कि तो आप जो हैं वो पीछे की तरफ वॉक क्यों कर रही हैं. ठीक है, आप पीछे की तरफ वॉक क्यों कर रही हैं, अंडरलाइन बैकवर्ड एज वेल. वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड्स, उसने सेट पिपी ने अपने आप से कहा कि मैं पीछे की तरफ वॉक क्यों कर रही हूँ. इजंट दिस अ फ्री कंट्री, क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है. कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू, क्या यहाँ पर कोई इंसान अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वॉक नहीं कर सकता. लेट मी टेल यू डैट इन इजिप्ट, अब वो कह रही है कि मुझे आपको बता लेने दें कि इन इजिप्ट, इजिप्ट में, मिस्र में, एवरी बॉडी वॉक्स डैट वे, हर कोई इसी तरीके से वॉक करता है, चलता है. एंड नो बॉडी थिंक्स, और कोई नहीं सोचता है इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज, कि ये थोड़ा अजीब है. ठीक है, स्ट्रेंज मीनिंग अजीब, अंडरलाइन स्ट्रेंज एज वेल. हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, आस्क्ड टॉमी, टॉमी ने पूछा. यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू, आप कभी इजिप्ट नहीं गई. मीन्स टॉमी इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द किससे करिए, पिपी से. ठीक है, टॉमी इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम पिपी के व्हाई यू आर वॉकिंग बैकवर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकंड क्वेश्चन शी आस्क्ड दैट हाउ डू यू नो, हैव यू एवर बीन टू इजिप्ट हैव यू, के आपको कैसे पता कि आप इजिप्ट रह चुके हैं. नेक्स्ट, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, इंडिड आई हैव, कि मैं कभी इजिप्ट नहीं गई बेशक. दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, ये एक चीज़ है जिसके बारे में आप यकीन कर सकते हैं. आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया फिर चुकी हूँ. एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंज देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड, और मैंने बहुत सी अजीबो गरीब चीज़ें देखी हैं जिसमें मैंने ये भी देखा है कि लोग पीछे की तरफ वॉक करते हैं. आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वट यू वुड हैव सेड, कि आपने मुझे क्या कहा. इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स, अगर आप मुझे क्या कहते, अगर मैं हाथों के बल पर वॉक करती.
द वे दे डू इन फार्देस्ट एशिया, जिस तरीके से एशिया में लोग करते हैं, ठीक है. बट आई हैव नेवर सीन ऑनेस्टली पीपल वॉकिंग ऑन देयर हैंड्स. अब ये सिर्फ पीपी कह रही है, पीपी इज़ सेइंग टू द टॉमी दैट मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि हाथों के बल पे वॉक करते हैं, चलते हैं. नाउ यू मस्ट बी लाइंग, सेड टॉमी. टॉमी ने कहा अब तो आप ज़रूर झूठ बोल रही हैं. पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट, पीपी ने एक लम्हे के लिए सोचा, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक है. शी सेड सैडली, उसने अफसुर्दा होकर कहा, आई एम लाइंग कि मैं वाकई झूठ बोल रही हूँ, ठीक है. नेक्स्ट पेज यू कैन सी हियर, इट्स विकेड टू लाई. ये बहुत अच्छा काम है झूठ बोलना, विकेड, अंडरलाइन विकेड. यू कैन सी स्टूडेंट फ्रॉम द पिक्चर एज वेल दैट टॉमी एंड निका आर स्टैंडिंग देयर बिसाइड द गेट एंड पिपी एंड मंकी एंड दे बोथ आर लाइक पिपी इज टॉकिंग टू दैम, ओके. एंड शी सेइंग दैट इट्स विकेड टू लाई, ये बहुत अच्छा है झूठ बोलना. सेड अनिका, अनिका ने कहा, हु हैड एटलीस्ट गैदर्ड अप, हु हैड एटलीस्ट गैदर्ड अप इनफ करेज टू स्पीक, कि जिसमें बहुत ज़्यादा करेज, अंडरलाइन करेज, हिम्मत थी ये सब कुछ बोलने की, ठीक है. यस इट्स वेरी विकेड टू लाई, सेड पिपी. यानि कि अनिका ने कहा कि क्या झूठ बोलना बहुत अच्छी बात है, तो पिपी कह रही है कि यस इट्स विकेड टू लाई, झूठ बोल के बहुत मज़ा आता है. सेड पिपी इवन मोर सैडली, इवन मोर सैडली, बहुत ज़्यादा अफसुर्दा मुँह बनाते हुए, ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी हियर, बट आई फॉरगॉट इट नाउ, बट आई फॉरगेट इट नाउ, लेकिन मैं भूल गई हूँ नाउ एंड देन, अभी के बारे में. एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी टू ऑलवेज टेल द ट्रुथ, सॉरी. एंड हाउ कैन, और किस तरीके से आप एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट को अंडरलाइन कर लें, एक्सपेक्ट मीनिंग तवक्को कर सकते हैं, लिटिल चाइल्ड की, एक छोटा सा बच्चा लाइक मी, मेरी तरह का, टू ऑलवेज टेल द ट्रुथ, हमेशा सच बोलता हो. व्हेन माय मदर इज़ एन एंजल, कि जबकि मेरी माँ जो है एक फरिश्ता है, एंड माय फादर इज़ अ किंग, और मेरा जो बाप है वो एक बादशाह है, ऑफ अ कैनिबल, कैनिबल आइलैंड में, यानी कि एक जजीरा है, एक जजीरा जिसमें कैनिबल मीन्स है हु ईट्स ह्यूमन बींग, जो दूसरे लोगों को खाता है, ठीक है. एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ, और मैंने सारी उम्र, इफ यू गो हियर, आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ, और मैंने सारी उम्र जो है बागबानी की है, यानी कि समुंदर के ऊपर कश्तियाँ, बागबानी की है. देन पिपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड, उसके बाद पिपी जो है वो हंसी और उसने कंटिन्यू रखा, एंड टेल मी और एंड लेट मी टेल यू, और मुझे आपको बता लेने दे डैट इन द कोंगो देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन, कोंगो में एक भी सिंगल पर्सन नहीं है हु टेल्स द ट्रुथ, जो सच बोलता हो. दे लाए ऑल डे लॉन्ग, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं. बिगिन एट 7 इन द मॉर्निंग एंड कीप ऑन अनटिल सन डाउन, के पूरे 7 बजे से लेकर वो शुरू होते हैं और शाम होने तक वो झूठ बोलते रहते हैं. सो इफ आई शुड हैपन टू लाए नाउ एंड देन, यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज मी एंड टू रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली बिकॉज आई स्टेड इन द कोंगो अ लिटल टू लॉन्ग. अब वो पीपी कह रही है कि अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपने मुझे याद करवाना है, क्योंकि मैं कोंगो में रह चुकी हूँ और कोंगो में सारा दिन लोग झूठ बोलते हैं. वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे, कांट वी. तो पीपी उसे कहती है, अनिका को, कि हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते. नेक्स्ट यू कैन सी हियर, ओ श्योर, यकीनन, सेड टॉमी एंड रियलाइज्ड सडनली, टॉमी ने कहा और उसे एकदम से एहसास हुआ, सडनली रियलाइज्ड, अंडरलाइन रियलाइज्ड मीनिंग एहसास होना सडनली, अचानक से, डैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज. टॉमी को ये एहसास हुआ कि ये आज के बाद उसके बोरिंग डेज नहीं होंगे. बाई द वे, वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, क्या आप आओगी और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी, आज पिपी, पिपी ने पूछा. वाई नॉट, क्यों नहीं, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, कम ऑन लेट्स गो, क्या आओ चलें. ओ यस लेट्स, सेड अनिका, अनिका ने कहा कि आओ चलें, बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नीलसन, लेकिन मुझे सबसे पहले आपको मिस्टर नीलसन से इंट्रोड्यूस करा लेने दे, सेड पिपी, पिपी ने कहा. एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोर्ड पोलाइटली, और जो छोटा मंकी था उसने अपनी कैप उतारी एंड बोर्ड पोलाइटली और बड़े आराम से झुका, ठीक है. सो दैट्स ऑल द रीडिंग ऑफ द पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग, के एक पिपी, दिस इज़ द कैरेक्टर ओनली विच इज़ शोइंग दैट हाउ शी स्टार्ट टू लाई, कि उसने किस तरीके से झूठ बोला और बड़ी अफसुर्दा मुंह बनाकर, फेस सा सैड बनाकर, सैड फेस बनाकर, कि वाकई में मुझे अफसोस है कि इतनी मेरी एज का जो छोटा बच्चा है वो तो झूठ ही बोलेगा,
इवन इट डजेंट हैपन. ठीक है, डोंट फॉलो दिस, इसको फॉलो नहीं करना, बिकॉज इट्स ओनली अ फैंटेसी स्टोरी. ये एक सिर्फ एक स्टोरी में है कि शी इज़ ट्राइंग टू से डैट आई डोंट हैव माई मदर, कि मेरी मदर नहीं है, तो माई मदर हैज़ बिकम एन एंजल और मैंने सारी उम्र अपनी फिशर लाइक सेलिंग में गुजारी है. ठीक है, तो इसलिए वो कह रही है, हो सकता है मैं झूठ बोल दूँ, लेकिन आपने मुझे हमेशा रोकना है. यू हैव टू मेक मी रियलाइज एवरी टाइम एंड यू हैव टू रिमाइंड मी एवरी टाइम डैट आई एम लाइंग, विच आई शुड नोट बिकॉज आई हैव बिन लिविंग इन द कोंगो फॉर लॉन्ग. वो ये कहती है कि मैं कोंगो बहुत देर तक रह चुकी हूँ, तो मुझे लगता है वहाँ लोग झूठ बोलते होंगे. ठीक है, इट नेवर गोइंग टू बी हैपन, लाइक ऐसे नहीं होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये इट्स ओनली अ स्टोरी. और इस स्टोरी में ये बताया है कि जब वो कहती है कि मेरे पास मदर नहीं है, तो हो सकता है मैं झूठ बोल देती हूँ. ठीक है, यू नो ना, when you even try to lie, तो आप पकड़े जाते हो by your mother. Your mother caught you that you are lying. ठीक है, so students, that's all for today's lecture. Homework is that you have to read the page number 2, 3 and 4. Okay? So enjoy yourself, take care.